नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बाइक सवार बदमाश ने बंदूक की नोक पर युवक से लूटे 1.5 लाख रुपए। बैंक से लेकर आ रहा था रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में आज लूट की एक वारदात ने हड़कंप मचा दिया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद के पास का है, जहां लखनऊ की तरफ से आ रहे अनुपम शुक्ला नाम के एक शख्स से बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। युवक के मुताबिक उसने रुपए से भरा बैग बदमाशों को देने से मना किया तो उन्होंने कट्टा निकालकर उसके पेट में लगा दिया, जिससे वह घबरा गया और रुपए का बैग बदमाशों को दे दिया। युवक के मुताबिक बदमाश भागने लगे तो उसके पीछे पीछा किया और लोगों की मदद से मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वहीं इस वारदात को लेकर बाराबंकी के अपर पुलिस अध्यक्ष SR गौतम ने बताया, अनुपम शुक्ला नाम का युवक इंडियन ओवरसीज बैंक की लखनऊ से चौक शाखा से 1.5 लाख रुपए लेकर बाराबंकी आ रहा था, तभी सफेदाबाद के चंद डेंटल कॉलेज के पास पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उसे रोक लिया और रुपए का बैग छीनने लगे। SP के मुताबिक नगर कोतवाली में लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों के खिलाफ की जा रही है। वहीं SSP ने वारदात में किसी हथियार के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि अभी इस बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। अनुपम शुक्ला, मैं क्या है पूरा मामला? मैं उर्दू दैनिक जदीद आवाज मरकज सीमांतर पर पत्रकार भी हूँ बाराबंकी से। अच्छा, मैं लखनऊ गया था चौक, कुछ फाइलें भी आज हमको जमा करनी थी जो हर मंथ जमा होती हैं, अखबार की टीवी भी दिल्ली जाती हैं, उनको सेंट्रल में जमा करके आया। उसके बाद चौक बैंक गया, कोई 3:30 बजे के आसपास मैंने पैसा वहाँ से निकाला, 1.5 लाख रुपया। स्टेटमेंट निकलवाए हैं और चेकबुक इशू करने के लिए भी अप्लीकेशन देखे। फिर पैसा निकालने के बाद हम ये आए यहाँ पे DM आवास के पास, सिटी सेंटर बिल्डिंग पर थी। यहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर तुरंत गाड़ी पे खड़े वहाँ पे फाइल और एक चेक वहाँ पे एक लड़के को दी जो ऊपर प्रेस चलाते हैं उनको दे। उसे उसको देने के बाद मैं सीधे ये क्लार्क वध होटल के पीछे से फैसा कुंड होते हुए सीधे निकल आया हूँ। पेमेंट मैंने 3:30 बजे वैसे मैसेज आया। हाँ वही सर, मतलब बैंक में हम 3:30 के आसपास थे क्योंकि चेकबुक ही इशू करानी थी और पेमेंट निकालने के बाद, और ये स्टेट में भी निकलवाए हैं 3:30 बज गया था वहाँ से। उसके बाद आके हम रिलायंस टंकी पे तेल भरवाए हैं, रिलायंस उसके सफेदाबाद में आके हमने करेला यहाँ पे लिया है। 1 किलो पत्नी से बात हुई तो हमने कहा सब्जी, तो हमने कहा 1 किलो करेला भी यहाँ लिया। उसके बाद आके यहाँ पे ये फुल क्रॉस किए हैं सफेदाबाद वाला, बस उनको फैशन वाले ने आके एकदम से इशारा किया कि झोले से कुछ गिर रहा है। हम एकदम से देखे, लेकिन हेलमेट लगा था तो नहीं दिखा पूरी तरह से उनको, तो गाड़ी मैंने साइड में लगा ली। साइड में लगाते ही 5 सेकंड भी नहीं बीते होंगे, पल्सर वाले आगे जिसपे 2 लोग सवार थे, आगे वाला हेलमेट लगाए हुए था, पीछे वाला रुमाल बांधे हुए था, तुरंत हमारे उसने पेट में लगा दिया। बिल्कुल सट के आके खड़े हुए थे। क्या लगाया? रिवाल्वर थी, तो भी रिवाल्वर कट्टा रहा कि रिवाल्वर ये नहीं लंबी वेटिंग भैया रहा तो एकदम मैंने हाथ भी जोड़ा भैया के, तो उसने कहा मार दो, जब नहीं आनाकानी किया तो उसने तुरंत पैसे मेरे पेट पे भी मारा। आज साइम 6 बजे के लगभग अनुपम शुक्ला रिपोर्टर जदीद आवाज़ मरकज उर्दू अखबार के ये इंडियन ओवरसीज बैंक चौक से 1.5 लाख रुपया निकालना बताया है, और ये चौक से बाराबंकी आ रहे थे कि चंद्रा हॉस्पिटल के पास इनका पूर्व से पीछा करते आ रहे 3 लोगों ने झोला ले लिया, जिसमें 1.5 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। इस संबंध में कोतवाली सिटी में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और केस के वर्कआउट करने के संबंध में 3 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही केस को वर्कआउट कर लिया जाएगा। सर, क्या किसी असलहे का भी प्रयोग किया है, कैसे मतलब और किस तरह भाग में? इस तरह की कोई बात नहीं बताई, उन्होंने बताया कि पहले से ही मेरा पीछा कर रहे थे और बोले कि बहुत देर से आपका पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने रुकवा करके और 3 लोग थे, 3 लोगों का वो कुछ तथ्य दिए हैं जिसके आधार पर खोजबीन की जा रही है। उन्होंने बताया है जो चीज़ें वो विवेचना में सम्मिलित की जा रही हैं जिससे केस के अनावरण में मदद मिलेगी। हाँ, कुछ गाड़ी का नंबर भी उन्होंने बताया है, बाइक किस तरह की, बाइक का कलर, बाइक का नंबर, ये भी बताने का। कई लोग के साथ? 3 लोग बताए हैं। तो
नाकेबंदी कर दी गई है, चेकिंग की जा रही है और जो उन्होंने बताया है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ 3 टीमें हैं, केस को शीघ्र वर्कआउट कर लिया जाएगा।